हेलो फ्रेंड्स, कुकिंग विद ममता में मैं ममता आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपके साथ चने की रेसिपी को शेयर करेंगे जिसका नाम है प्याज वाले चने। इसे हम बिना मसाले के बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं, तो आज हम आपके साथ इसी रेसिपी को शेयर करेंगे और इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारे ये प्याज वाले चने की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कुकर को गर्म कर लिया है। हम ये सरसों का तेल डाल रहे हैं। हमने पचफोरन ले रखा है, उसे हम इसमें डाल देंगे। हमने 10 पीस हरी मिर्च ले रखी है, उसे हमने कट कर लिया, उसे इसमें डाल देंगे। हमारे मिर्चे थोड़े लाल हो गए, तो यहाँ पर हम 5 बड़े साइज के प्याज हमने ले रखे हैं, हल्का गुलाबी होने देंगे। हमारे प्याज थोड़े गुलाबी हो गए हैं। चना ले रखा है, उस चना को हम इसमें डाल देंगे। इनको भी हमने रात भर पानी में भिगा लिया है। नमक ऐड करेंगे और हल्दी, इन्हें इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। लगभग 2 मिनट तक हम इन्हें ऐसे इसमें भून लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम चना के डूबने से 2 इंच ऊपर तक रखेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इन्हें तकरीबन आधे घंटे तक, जब तक चना हमारे पक न जाए, इन्हें हम प्रेशर दिला देंगे। अब हम इन खोल लेते हैं और हम चना को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चना हमारे पक गए हैं। एक बार फिर से इन्हें आँच दिखा देंगे। ये देखिए, हमारे मसालेदार चना, कोई कह ही नहीं सकता है कि इसमें हमने कोई भी मसाला नहीं डाला। तो इन्हें 2 से 3 मिनट तक ऐसे ही खुला और पका लेंगे। यहाँ देखिए, हमारे चना पक गए हैं, तो गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। इनकी गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ पर बारीक कटे हुए प्याज ले रखे हैं और यहाँ हमने कुछ नींबू के स्लाइसेस ऐसे कट किए हैं, उन्हें हम इस पर ऐसे रख देंगे। और देखिए, ये हमारे बिना मसाले की ये मसालेदार चना, जिसमें कि हमने कोई भी मसाला नहीं यूज़ किया है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और झटपट बनते हैं। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगली रेसिपी में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।